अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाता है, ये लाइन राम मनोहर लोहिया का आज भी संसद में कई बार गूंजता नजर आता है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करना चाहते हैं विकास दिव्य कीर्ति अवध ओझा और खान सर जैसे लोगों का, जिन्होंने दिल्ली में कई सारे अपना कोचिंग संस्थान चला रहे थे और उनका लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनका शागिर्द बनते हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, वो लोग उनसे गुहार लगाते रहे। कई दिनों तक वो कुछ नहीं बोले और कल जाकर धीरे धीरे अवध ओझा और विकास दिव्य कीर्ति ने इंटरव्यू दिया है और उसमें अपनी बातों को रखा है, लेकिन लेकिन वो लोग इस मुद्दे पर बात नहीं आज भी कर पाए। जहाँ तक मुझे पता है, विकास दिव्य कीर्ति जिनका बेसमेंट में आज भी क्लास चल रहा था, जिसको सील किया गया, उस पर जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए। वो जब आदर्श की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स बड़ा गौर से सुनते हैं, वो जब नियत की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स बड़ा गौर से सुनता है, छात्र बड़ा ध्यान से सुनता है और लगता है कि ये जो प्रवचन दे रहे हैं महाराज, वही दुनिया का आखिरी सत्य है। लेकिन ये महाराज पिछले कई वर्षों से बेसमेंट में कक्षाएं चला रहे थे, क्लास चला रहे थे, तब वो क्या कुंभकर्ण के नींद में सो रहे थे कि बेसमेंट में क्लास चलाना बच्चों के हित में नहीं है, उनकी जान भी जा सकती है। जब यहाँ पर तीन जाने चली गई हैं, तब वो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही कोचिंग संस्थान में लोगों का जान गया है। वो कह रहे थे कि वो जो जिस कोचिंग संस्थान में जान गई है, वो उसका जवाबदेही तय करेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप जो नीति का बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं, तब आपका क्लास बेसमेंट में कैसे चल रहा था। बड़ी खबर में दूसरी खबर निकल के आ रही है यूपी से। यूपी में आप जानते हैं कि विधानसभा में भारी बारिश के कारण पानी का जल जमाव इतना बढ़ गया कि विधानसभा में घुस गया। उसके कारण वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गेट नंबर 1 से निकालना पड़ा। गेट नंबर 7 से उनकी एग्जिट होना था, निकलना था, लेकिन उनको गेट नंबर 1 से निकाला गया बारिश के पानी भर जाने के कारण। आप वीडियो फुटेज में देख रहे हैं कि किस तरह से जो कर्मचारी हैं वहाँ के, जो सुरक्षा बल है वहाँ के, वो किस तरह से पानी में चल रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। और साथ में शिवपाल यादव ने ट्वीट भी किया है कि जब विधानसभा का हाल ये है, जब लखनऊ का हाल ये है, तो बाकी प्रदेश भगवान भरोसे बैठा है। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार के औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने कई सारा मुद्दे पर बातचीत किया, जिसमें अहम उन्होंने बातचीत किया है कि हमको चाहिए बिहार के लिए, मगध के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, जिससे कि औरंगाबाद क्षेत्र में जहानाबाद गया होते हुए, वो उनका कहना था कि दिल्ली से जोड़ने का भी कोई रास्ता वंदे भारत के जरिए निकाला जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को सुविधा हो। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि बिहार पर्यटन के क्षेत्र में इंटरनेशनल पैलेस जगह है, राजगीर हो, बोधगया हो, विष्णुपथ हो, पुनपुन हो, ये सभी जगह है महोदय। हम आग्रह करेंगे कि वंदे भारत ट्रेन पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, सासाराम होते, दीनदयाल उपाध्याय होते, वाराणसी होते, दिल्ली तक के अगर वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम अगर सरकार करती है तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत भी बढ़िया मुनाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि बोधगया और वाराणसी, इन जगहों पर देश और विदेश के पर्यटक आते हैं, उनकी आवागमन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। हम तो चाहेंगे, पहले हम लोग के यहाँ फ्लाइट भी चलती थी, एक दिल्ली गया वाराणसी होते चलती थी, वो भी बंद कर दी गई है।
इसलिए माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से हमारी आग्रह होगी कि इसको विशेष कैटेगरी में रखकर एक वंदे भारत ट्रेन जो गया से पटना से चलकर जहानाबाद गया होते हुए वाराणसी होते हुए दिल्ली तक के अगर चलाने का काम करें तो हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। महोदय एक हमारा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय जी से, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में जनरल बोगी की संख्या बहुत ही कम है लेकिन जनरल यात्रियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह से आम लोग उस जनरल बोगी में सफर करते हैं। किसी मेल ट्रेन में एक बोगी होती है, किसी में दो बोगी होती है। सभी मेल ट्रेनों में जनरल बोगी को बढ़ाया जाए। महोदय पर्व के दिनों में तो और भी बहुत कठिनाई होती है, एक एक बोगी में 500-700-700 हमारे लोग सफर करते हैं। इसलिए महोदय हमारा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि तमाम जो मेल एक्सप्रेस है उसमें जनरल बोगी की संख्या सरकार बढ़ाए ताकि आम लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। और साथ में औरंगाबाद के लिए उन्होंने सियालदह एक्सप्रेस, आपने सुना होगा, उसका डेहरी ऑन सोन में स्टॉपेज है लेकिन वो चाहते हैं कि औरंगाबाद में उसका स्टॉपेज भी हो जिससे करीब 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचे। तो ये बड़ी मुद्दा पर बातचीत किया है। एक आग्रह हम माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से करना चाहेंगे, गाड़ी संख्या 12987 12988 जो अजमेर सियालदह एक्सप्रेस है, गया के बाद वो डिहरी में रुकती है। महोदय उसके बीच में अनुग्रह नारायण रोड जंक्शन है, अनुग्रह नारायण पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह जी का गृह जिला है और उनका वहाँ घर है। हमारी विशेष आग्रह होगी कि अजमेर सियालदह 12988 का एक छोटा भी स्टॉपेज माननीय मंत्री महोदय जी अगर औरंगाबाद में कर देते हैं तो वहां पर कम से कम तो 30-40 लाख लोगों को उसमें फायदा पहुंचेगा। महोदय आपने मुझे समय दिया महोदय, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय जी से कि मैंने जो कुछ जनहित में जो आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है, कृपया हमारी आग्रह होगी कि उस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक आप विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय कुशवाहा ने राजद के एमपी हैं और लालू यादव के करीबी हैं, जिनको कि अभी संसदीय दल का नेता भी बनाकर राजद ने भेजा है पार्लियामेंट में, और उन्होंने ये सवाल उठाकर मगध के धरती के लिए एक बड़ा मांग कर दिया है हमारे रेल मिनिस्टर से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। तो बड़ी खबर में आज इतना ही। अब हम बात करेंगे सुर्खियों की। पहली सुर्खी निकल के आ रही है संसद भवन से ही। आप जानते हैं टीएमसी के सांसद सौगत राय को, सौगत राय ने कहा था कि मनमोहन सिंह की तरह वित्त मंत्री ऑक्सफोर्ड से पीएचडी नहीं है और वह पी चिदंबरम की तरह भी नहीं है जिनके पास हार्वर्ड की डिग्री हो। तब इस बात पर निर्मला सीतारमण ने तत्काल जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह के तरह बनना भी नहीं चाहती। ये कहकर उन्होंने अपने बात को विराम दिया। लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस के साथी दल हैं, सबने इस सवाल को उठा दिया है। मनमोहन सिंह के बारे में उन लोगों ने लिखा है कि मनमोहन सिंह का एक हिस्सा 100 में से एक हिस्सा के बराबर भी आप नहीं हो सकते हैं। निर्मला सीतारमण पर यह सवाल उठा दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रेमचंद जी का है जयंती, तो आज प्रेमचंद जी की कुछ लाइनों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं आंदोलन प्रदर्शन जुलूस निकालने से क्या होता है, लोग कहते हैं आंदोलन प्रदर्शन जुलूस निकालने से क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं।
ऐसा लिखा है प्रेमचंद जी ने। और उन्होंने प्रेम के विषय में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, वो लाइन भी मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जिससे प्रेम हो गया उससे द्वेष नहीं हो सकता, जिससे प्रेम हो गया उससे द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वह हमारे साथ कितना भी अन्याय क्यों न कर ले। और एक और जो जो चीज़ आप जानते हैं कि जिसके लिए प्रेमचंद जाने जाते हैं, उस तरह का एक कुछ लाइनें मैं सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि शिक्षा का कम से कम इतना प्रभाव तो होना चाहिए कि धार्मिक विषयों में हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान ना समझें। और एक और उनका लाइन है जो बेहद फेमस है, उन्होंने कहा था कि जो कभी रो नहीं सकता वह प्रेम नहीं कर सकता, रुदन और प्रेम दोनों एक ही स्रोत से निकलते हैं। और आज के परिवेश में सबसे सटीक शेर, सबसे सटीक काव्य जो उन्होंने लिखा है कि जिस बंदे को पेट भर रोटी नहीं मिलती उसके लिए मर्यादा और इज्जत ढोंग है। तो इसी के साथ वीडियो को हम करते हैं ख़त्म। आप देख रहे थे अजीत कुमार के साथ फ्री भारत शो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे थे तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।